दोस्तों अभी गर्मियों में कई सारे आप फसलें लगाते हैं तो आपको सबसे बड़ी समस्या आती है वो कॉलर रॉट की। तो कॉलर रॉट के लिए क्या करना चाहिए, जब फसल आप लगाते हैं उसके बाद आप सबसे पहले कार्बेडिज्म का ड्रेंचिंग कीजिए 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पर पौधे को 50-50 ml। उसके बाद एक हफ्ते बाद या 4-6 दिन बाद आप तुरंत वहाँ पे कैप्टन का ड्रेंचिंग करते हैं कर सकते हैं 1 ml/1 gram के हिसाब से। उसके बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का और उसमें स्ट्रिप्टोसाइक्लिन डाल के फिर एक ड्रेंचिंग ले सकते हैं। उसके बाद एक ऑर्गेनिक ड्रेंचिंग कोई भी आप ले सकते हैं फंजीसाइड का, ताकि जो फसल के नीचे स्टेम रहता है वहाँ पे जो कॉलर रहती है उसके ऊपर सड़न ना लगे और वो आगे एक बार बड़ा हो जाए। जब तक छोटा पौधा रहता है तब तक ज़्यादा संभावना रहती है सड़न लगने के कारण, जो फिजूरियम और जंतुनामस एक फंगस होता है वो वहाँ पे लग जाता है आपके ज़मीन में अगर ऑलरेडी वो है। तो दोस्तों इस तरीके से आप वहाँ पे ये जो मैंने अभी बताया ये यूज़ करके आप कंट्रोल कर सकते हैं कॉलर रॉट का। तो ये आप ज़रूर